वेलकम टू माय चैनल इमशा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ओके जी, तो आज एक अशरा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने वाला है। आज है 10वां रोज़ा और मैंने सहरी टाइम शूट नहीं किया था क्योंकि यार हिम्मत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रमज़ान आगे जाता है जा रहा है और हिम्मत भी जो है ना डाउन होती जा रही है। तो नमाज वगैरह पढ़ ली है, अब चलते हैं नीचे। असर पढ़ के नीचे चलते हैं, जोहर पढ़ ली थी, असर पढ़ के नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं अफ्तारी में क्या करना है। और हाँ, अपना अपना बताओ कैसे रोज़े गुजर रहे हैं, कैसा रमज़ान जा रहा है। और गर्मी ने तो शिद्दत पकड़ लिया है, ट्रैवल गर्मी होने लग गई है यार। ओके चलो चलते हैं नीचे नमाज पढ़ के। जी तो पढ़ ली नमाज और हाँ आप चलते हैं नीचे। और अगर तुम लोग चाहते हो मैं डेली व्लॉग्स डालूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो यार, तुम लोगों के लिए ही वीडियोस डालती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो लास्ट तक देखा करो, लाइक शेयर कमेंट करो। 1000 सब्सक्राइबर करो, मैं डेली व्लॉग्स डाला करूँगी। वैसे रमज़ान में तुम लोगों को पता है कितनी डाउन हो जाती है हालत, तो इसलिए डेली में वैसे इतना कुछ खास होता नहीं, वही रोज़ रोज़ होता है। मैं कहती हूँ तुम लोग बोर ना हो जाओ, इसलिए मैं रोज़ 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 नहीं डालती। सो आज पहला अशरा का आखिरी रोज़ा है तो मैंने कहा चलो आज भी ब्लॉग बना लिया जाए। चलो अब चलते हैं नीचे सहरी अफ्तारी में, देखते हैं क्या बन रहा है। ओके तो यहाँ पे बन रहा है सालन और यहाँ पे कुछ तो बन रहा है और ये चाट के लिए इमली बॉइल की जा रही है। शिव कम बनावा क्या, कद्दू और चिकन, और वहाँ पे बन रहा है पुलाव। जी यहाँ पे वेजिटेबल और चिकन का पुलाव बन रहा है, इमली रख दी है चाट के लिए और यहाँ पे सैलेड भी बन चुका है। इसको कीवी कहते हैं ना, कीवी। किस चीज़ को पसंद है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इसको। और अफ्तारी में मेरा काम होता है बर्तन रखना, बड़ा टेबल लगाना जैसे कि तुम लोगों को पता है, अब तक तो तुम लोग पहचान ही गए हो। यहाँ बनेगी फ्रूट चाट, यहाँ बनेंगे फ्राइज और यहाँ लगेगा न्यूज़। मैं गलत हूँ तो तुम लोग बता दो, इसको कीवी ही कहते हैं ना, क्योंकि मेरे घर भी फर्स्ट टाइम आई है, मैं देख भी इसको फर्स्ट टाइम रही हूँ और मुझे पता नहीं, इसलिए मैं तुक्का मार रही हूँ कि इसको कीवी कहते हैं शायद। हमारे घर कोई खाता भी नहीं है, ट्राई कर लेंगे। पीछे से आवाज़ तो आपको आ ही रही होगी, रिदा बोल रही है साथ साथ के ट्राई करेंगे। और यहाँ पे ये चिप्स काट रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह कहना कोई ना भूले। गाड़ी हो गई है, बर्तन वगैरह उठा दिए, अब बन रही है चाय। अफ्तारी के बाद कौन कौन चाय पीने वाला बंदा है कमेंट में बताओ, कौन कौन अफ्तारी के बाद चाय पीता है।
ओके जी, तो आज है 11th सहरी, पहले दूसरे शेर की पहली सहरी। मैंने ब्लॉग वहाँ पे एंड नहीं किया था क्योंकि कुछ ज़्यादा था नहीं, तो मैंने बोला तो दो दिन का मिला के दिखा देती हूँ। तो अभी चलेंगे नीचे सहरी करने, तो चलें चलते हैं नीचे सहरी करने। और जो जो इफ्तारी के बाद भी कुछ खाना होता है ना, उसके बर्तन लेके जाते हैं नीचे, लाइट्स कर देते हैं और चलते हैं और देखते हैं सहरी में क्या बन रहा है। चलिए जी, दो बन गए, एक बन रहा है और यहाँ मामा, ये पीछे मामा बोल रही हैं। तो आज दूसरे शेर की पहली सहरी है। मेरी सहरी बन गई है, मैं फिर से पराठा और अचार खाऊंगी और चने मिलती हूँ खाने के बाद। तो सहरी कर ली है, अब हम पढ़ेंगे नमाज। जब पढ़ के मैं सो गई थी, शूट नहीं कर सकी थी, अब आ गई हूँ मैं नीचे इफ्तारी की तैयारी करने। यहाँ पे थोड़े से बर्तन हैं जो धोने हैं, वो मैं धो लूँगी और उसके बाद चावल निकालने। अब यहाँ पे चावल निकाल लिए हैं जो पुलाव बनेगा, और इनको साफ कर लेंगे और फिर इनको धो लेंगे। चलिए जी, अब जल्दी से धो लेते हैं बर्तन, ज़्यादा बर्तन नहीं है इसलिए जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि आज हमारी बर्तन धोने वाली आंटी नहीं आई थी। तो चलिए, आधे मम्मा ने सुबह ही धो दिए थे, तो अब थोड़े थोड़े से बचे हैं वो मैं धो लूँगी। आपने आवाज़ तो सुनी होगी, यहाँ से मुझसे टूट गया था गिलास और पीछे से मामा के तोड़ो तोड़ो और तोड़ो, ऐसा हो नहीं सकता कि कुछ टूटे ना, बट चलो। यहाँ पे धो लिए मैंने सारे बर्तन, और यहाँ पे एक तरफ बन रहा था मामा पुलाव बना रही थी उसकी तैयारी, प्याज ब्राउन कर लिया था मामा ने। तो अब इफ्तारी का टेबल लगाने का, चलिए जल्दी से टेबल लगा लेते हैं क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला है। लग गया इफ्तारी का टेबल। ओके जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इफ्तारी का टेबल लग गया है, अब इफ्तारी करते हैं। थोड़ा सा चावल लेती हूँ, थोड़ा सा चिप्स लेती हूँ, आज मैंने चाट भी खाई, आज पापी चाट आई हुई थी। ओके जी, इफ्तारी हो गई, मैं ऊपर आ गई हूँ अब। यही छोटा सा ब्लॉग था, दो दिन का जोड़ के बनाया। आई होप आपने इंजॉय किया हो, आपको मज़ा आया हो। आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ, वैसे तो रूटीन यही रहती है फुल रमज़ान, और यू नो फिर पढ़ाई करनी होती है, मतलब कुरान नमाज, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बीच बीच में बनाती हूँ, रूटीनली व्लॉग्स नहीं रमज़ान के बना रही। आई होप आपने इंजॉय किया, आपको मज़ा आया हो, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें यार, अपने घर में जितने भी मोबाइल हैं सबके मोबाइलों से सब्सक्राइब कर दो, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी रूटीनली व्लॉग्स चाहिए तो सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, 1000 के करवाएं मेरे। चलें जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।